जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ तब क्या हुआ? राम जी तो खुश हुए कि मुझे 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन राजगद्दी पर कौन बैठेगा? मेरा प्रिय भ्राता कौन? भरत। मैं तो चाहता ही नहीं कि भरत उस राजगद्दी पर बैठे और मुझे 14 साल का वनवास मिला तो मुझे खुशी हुई। देखिए बंधु, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाओ। अगर आपका भाई अगर आपकी एक इंच जमीन दबा लेता है ना, तो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मार देते हैं दूसरे को, काट देते हैं। कई कई पीढ़ियों से उनके केस चल रहे हैं अभी तक और अदालत में उनका निपटारा। लेकिन जब केकई ने दशरथ जी को कहा कि राम को 14 साल का वनवास भेजिए, और जब दशरथ जी ने राम जी को कहा तो राम जी बड़े खुश हुए कि मुझे 14 साल का वनवास मिला। इस बात से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे भाई को भरत को राजगद्दी मिली। और क्या भरत जी का त्याग केवल इतना ही था? ये तो केवल राम जी का त्याग था। भरत जी का त्याग कितना था? नंदीग्राम में जाकर रहे और वनवासियों की तरह 14 साल उन्होंने भी अपने जीवन काट दिए। इस कलिकाल में क्या है बंधु? दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, केस हो जाते हैं, निपटारा होता नहीं। एक घर में भाई के बच्चों की शादी है, आस पड़ोसी रिश्तेदार सब आ रहे हैं जीवने के लिए, सब आ रहे हैं खाने पीने के लिए, शादी में एंजॉय करने के लिए। लेकिन जो आपका बराबर का भाई था ना, उस भाई को आपने बुलाया,